हेलो, मोस्ट वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट ईवीएस, लेसन थ्री, आवर फूड कंटिन्यू। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइजेस ए एंड बी, पेज नंबर 27। मायसेल्फ मिसेस अंजलि सरोदे। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 27, एंड पेंसिल इरेजर ऑल्सो। लिसन केयरफुली एंड देन सॉल्व एक्सरसाइजेस ए एंड बी। फर्स्ट take out book, page number 27. This is your page. You have to write down date, where you know. कहाँ पे date लिखनी है आप बखूबी जानते हैं अभी, है ना? तो यहाँ corner पे आपको date लिखनी है। Online है पर आप CW यहाँ पे लिख सकते हैं। First we will solve exercise A, then B. C बाद में करेंगे। Today we are going to solve only exercise A and B. तो ready है ना? Okay. सो दिस इज योर एक्सरसाइज ए। इस पेज में आपको क्या कैसे सॉल्व करना है पहले देख लेते, बाद में सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज ए, राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड थ्री फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। थ्री फूड आइटम्स जो एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं वो करना है। तो यहाँ पे प्लांट्स लिखा है, तो प्लांट्स के नीचे देखो पिक्चर भी ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आए। तो तीन प्लांट्स के प्रोडक्ट लिखने हैं जो कि फूड प्रोडक्ट है, और जो एनिमल्स के हैं कि जो फूड हमें एनिमल्स से मिलता है, प्रोडक्ट नहीं, एनिमल्स से मिलने वाला फूड, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी डेट आपने लिखी होगी, है ना? तो अभी देखो, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो पहला है फ्रूट्स, फ्रूट्स हमें मिलते हैं। सेकंड क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मिलते हैं, और बहुत सारी चीजें मिलते हैं, बट यू हैव टू राइट ओनली थ्री, बिकॉज ऑप्शंस ऑप्शंस मीन्स थ्री ही है वहां पे फिलिंग लाइंस, तो आपको तीन ही लिखने हैं। जैसे कि पल्सेस मिलते हैं, ग्रेन्स है, ऑयल मिलते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी है ना? तो हम आप कोई भी तीन लिखने रह सकते हैं। मैं अभी फ्रूट्स, सेकंड वेजिटेबल, और थर्ड है पल्सेस, ठीक है? देन फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से मिलने वाला फूड है एग्स, देन मटन और चिकन। तो इस तरह से आपको ये फिलअप करना है पूरा, ठीक है? नेक्स्ट है, आपको उसी पेज में आपको ये करना है बी, राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइव फूड आइटम्स विच वी मेक्स फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बनी हुई जो चीजें उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो ये है आपका पेज, ठीक है? ये जो है पेज यहाँ पे है, आप इस तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। तो पहला जो है लिख के दिया है उन्होंने आंसर, खीर। सेकंड आपको देखना है चीज। थर्ड आइसक्रीम, फोर्थ कर्ड, और फिफ्थ है बटर। तो ये पांच आप जो आइटम्स है मेक फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बने हुए पांच आइटम्स आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप और भी कुछ अलग भी लिखना है तो लिख सकते हैं, बट बेटर टू राइट ऑल दिस, ओके? तो करेक्ट क्षण के लिए और आपको समझने के लिए भी ध्यान में रहेगा। सो नीचे दिया है, नीचे कंप्लीट योर वर्क, रीड डेली वन पेज। तो आपको ये हमेशा करना है। आपका वर्क जो भी है, एक्सरसाइज ए बी, और जो भी जैसे मैं करवाती हूँ वैसे आपको अपने पेजेस में लिखने हैं, जो भी आपके पेजेस है 25, 26, 27 हुआ कि नहीं चेक करो, और नहीं लिखा है तो करना है। देन रीड डेली वन पेज, डेली एक पेज तो आपको लर्न करना है। लर्न मीन्स रीड करना है, ओके? अभी टाइम टू गिव यू होमवर्क। सो दिस इज योर सी डब्ल्यू पेज पे आपको ये करना है, राइट इन सी डब्ल्यू बुक क्वेश्चन एंड आंसर, डेट लिखनी है और लिखना है क्वेश्चन ए, राइट द नेम्स ऑफ एनी फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से मिलने वाले फाइव आइटम्स के नाम लिखने हैं, ठीक है? तीन तो मैंने आपको बताया ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, पल्सेस, आप ग्रेन्स, ऑयल और जो भी ड्राई फ्रूट्स, वो भी नाम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। बुक सर्च करो, उसमें बुक में सर्च करो तो पेजेस में आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने बताया इसलिए नहीं लिखना है, बुक में भी सर्च करो, ओके? क्वेश्चन बी, राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइव फूड आइटम विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से मिलने वाले पांच फूड आइटम यहाँ पे आपको लिखने हैं, बहुत सारे है अभी हमने देखे ही है, वो लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइव फूड आइटम्स विच वी मेक फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बने हुए कोई भी पांच आइटम, जो कि अभी आंसर आपको मिल गया है। तो इस तरह से आपको ये आंसर, क्वेश्चन और आंसर अच्छे हैंडराइटिंग में आपको कहाँ लिखना है, सी डब्ल्यू बुक में, ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, थैंक यू।